नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सर्वसाहूणम्, बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांशनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, मुनि श्री आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री अकंपनाचार्य विष्णु कुमार आदि 700 मुनि राजों की, पूज मुनि श्री यक्षराज अजित सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। धनी धन्य है भी जीव निर्भव पाय यह कारज किया। ऐसे हमारे कवियों ने, उन मुनियों ने इन पंक्तियों से कहा कि भी धन्य धन्य है वे जीव निर्भव पाए यह कारज किया। पाए कारज में तो कौन सा कार्य किया, जिन्होंने समस्त पाप और परिग्रह को छोड़कर के संयम को धारण किया, उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को धन्य किया है, उन्होंने इस मनुष्य पर्याय को अपना सार्थक बनाया, धन्य किया। ऐसे मनुष्य आप भी हो, हम भी हैं, आपको भी यही प्रेरणा मिलती है आज के ऐसे प्रसंगों से कि ये मनुष्य पर्याय आपके लिए विषय भोगों में उपयोग करने के लिए नहीं मिली। विषय भोगों का उपयोग करने के लिए किस प्रकार की क्या दशाएं होती हैं, कैसी पाप की प्रवृत्तियां होती हैं, देखिए, शरीर की शक्ति मिल जाना, सामर्थ्य मिल जाना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पुण्य पूर्व पुण्य कर्म के उदय का ही परिणाम है। लेकिन जो शरीर का सामर्थ्य और शक्ति मिली और उस शक्ति का दुरुपयोग करना, दुरुपयोग करे किसी निरीह व्यक्ति पर जाकर के उस शक्ति का प्रयोग कर लेना, तो वो क्या क्षत्रियपना है? नहीं, वो क्षत्रियपना नहीं, वो कायरपना माना जाता है। कैसे कि एक निर्बल प्राणी के ऊपर जो अपनी जान बचाने के लिए तुमसे कुछ मांगता नहीं है, तुमसे कुछ चाहता नहीं है, और तुम उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हो, बाण चलाते हो, या किसी प्रकार का प्रहार करते हो, तो क्या ये तुम्हारा क्षत्रियपना है कि आज मैंने इसको मार दिया? ये क्षत्रियपना नहीं है, ये तो आपकी सबसे कहिए एक निर्बल प्राणी को तुमने मारा है। क्षत्रियपना तो वो है कि जिनका तुम आज तक कभी जिसको जीत नहीं पाए हो, उस पर बजाय प्राप्त कर लो, यही तुम्हारा क्षत्रियपना होता है। जिन कर्मों को तुम आज तक कभी हरा नहीं पाए हो, उन कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ा क्षत्रियपना। इसलिए हमारे सारे तीर्थंकर कौन है? क्षत्रिय हैं। आज श्रेयांशनाथ भगवान ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, आज उनका मोक्ष कल्याणक है। ऐसे अपने पापों को क्षय करने में जो लगा हो, सो उसका नाम क्षत्रिय है। इसलिए लिखा पापम क्षयात इति क्षत्रिय, जो पापों की क्षय करने में लगा हो, सो उसका नाम है क्षत्रिय। किसी दूसरों को मार देना ही कोई क्षत्रियपना, ये तो कायरपना है। आज क्या हो रहा है,
तुम छुपे रस्तों पीठ के पीछे जा करके किसी के ऊपर जा करके कई बमबार्डिंग कर दोगे तो क्या ये कोई धर्म है? किसी के ऊपर आक्रमण जाकर के वो कहा आकस्मिक बैठा हुआ है, निरीह होकर के बैठा, तुमने बस में जा रहा है, बस के ऊपर बम पटक दिया, लोगों ने उसको धर्म बना दिया। बंधुओं, ऐसे व्यक्ति कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। लोगों ने उसको जिहाद कह दिया। ये जिहाद कोई क्या है? उनकी सबसे बड़ा कलंक है। यहाँ की लोग जाकर के बड़े अच्छे से दुआएं मांगते हैं, रहम की दुआ मांगते हैं, यानी यहाँ जाकर के धर्म स्थान पर जाकर के सब जीवों के सबके कल्याण की रहम की भावना करेंगे और दूसरी जगह जाकर के जीवों को मारने का काम करेंगे। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। अरे बचा सको जीवन में, कर सको तो किसी को सहयोगी बनो, सहायता करो। किसी के हम परोपकार करने में क्या बने, अपना योगदान दें, तब तो हमारा वास्तविक रूप से सही ये मनुष्य का, ये मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा उपयोग है। अभी एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के सामने, अभी यही कहा गया कि हम ना पाप का समर्थन करें ना पापी का समर्थन करें, ठीक है ना, लेकिन पुण्य का समर्थन जरूर करें। किसका करें? पाप का समर्थन नहीं है, पापी का समर्थन नहीं है, लेकिन कोई पुण्य के कार्य में लगा हो तो उसका समर्थन अवश्य करें, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा के कार्य में अगर कोई सहयोगी बनता हो तो समझ लेना वही सही धर्मात्मा है। मात्र अकेले बैठ कर के मन में हम क्या कर लें, एक कहा लोगों ने कटाक्ष किया था, मन में तो माला फेरें, हाथ में माला फेरो, मन में कसाय भाव रखें, किसी के मन में बुरा भाव रखें, तो वो माला फेरना कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला ये कि इस सिद्धांत को हमें बहुत समझना होगा, माला फिरती हो पर मन में निर्मलता पहले होना चाहिए। मन में अगर निर्मलता नहीं है तो हमारी माला कोई काम की नहीं है। बस ये सिद्धांत हमारे जीवन का होना चाहिए। पुण्य और पुण्यात्मा के कार्य में, पुण्य के कार्यों में कभी भी असमर्थन नहीं करना। हमारे सिर्फ सीता के जीव का पूर्व इतिहास उठा करके पढ़ो, उन्हें वन में क्यों छोड़ा गया मालूम है? ऐसी परिस्थिति में मात्र गलत फहमी के कारण से। एक आरिका बनी है, बहन आरिका बन गई, भाई छल्लक जी हैं, जाकर के धर्म ध्यान करती हुए बहुत समय बाद उनका मूल्य आपस में थोड़ा सा मिलजुल करके क्या हुआ, थोड़े से एक दूसरे को सुखद समाचार आपस में पूछ रहे हैं, हंस रहे हैं। थोड़ी सी हंसी उनके चेहरे पे आ गई, यहां उस सीता के जीव ने देखा और जाकर के क्या किया था, दोषारोपण लगाया था कि ये छुल्लक और आरिका क्या हैं, ये सच्चे नहीं हैं, लोगों में अपवाद उनके ऊपर दोषारोपण लगाया, ये भाई बहन नहीं, इनका तो कुछ और ही चलता है, यानी उनकी चारित्र पर, उनकी चारित्र को कलंकित करने के लिए समाज में ऐसा दोषारोपण लाया था। उसी का परिणाम था कि कर्म का कैसा बंद हुआ, कि जब सब कुछ हो जाने के बाद गर्भवती है जिसकी सबकी जरूरत थी,
पूरी परिवार की। उस समय उनके ऊपर भी क्या लगा था? दोषारोपण लगाया था, कलंक लगाया गया था। और उस कलंक का परिणाम क्या हुआ था कि पूरी ऐसी अवस्था में उनको वन में छोड़ा गया। ये अपने कर्म की ही विचित्रता है। आज अपने आप को समझना, आज रक्षाबंधन नहीं मोक्ष कल्याणक है, उन मुनिराजों की रक्षा का दिवस है। देखिए उन चार मंत्रियों के पास सामर्थ्य है, शक्ति है, रक्षाबंधन का निमित्त कैसे बना? उनके पास पूर्व की शक्ति प्रणव के परिणाम के कारण से युद्ध कुशलता होने के कारण वे जहां एक दूसरे राज्य से उनको निष्कासित किया और चारों जाकर के यहाँ पद्म राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर अचानक पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया और चारों मंत्रियों ने उनके आक्रमण को अपनी कुशलता से क्षत्रियता से बचा करके राज की सुरक्षा की। और सुरक्षा करने के बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुमने मेरे राज्य बचाया है, अब एक काम करो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए इस राज्य में अब तुम जो चाहो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। देखिए शक्ति के दुरुपयोग ये होता है। एक राज्य से निष्कासित होने का कारण क्या था कि वहां पर कंपनाचार आदि 700 मुनि राजों का जो संग था वो आया, इसने जाकर के उनके साथ गलत व्यवहार किया और गलत व्यवहार करने के बाद उन चारों मंत्रियों को देश से निकाला गया। उनको गधे पे काला मुंह करके इन्होंने मुनिराज को कलंकित किया है। मुनिराज को ऐसे जो किसी से कोई लेन देन देने, ऐसे मुनिराज को तुमने क्या किया है? अपमान किया है। अपमान का बदला अपमान ही होता है, सम्मान नहीं होता। अगर तुम किसी का अपमान करोगे तो तुम चाहो कि मेरा सम्मान हो जाए? कभी सम्मान होने वाला नहीं है। अगर सम्मान चाहते हो तो दूसरों को सम्मान करो, बहुमान करो, तुम्हें सम्मान मिलेगा। और उन्होंने उनका अपमान किया, बदले में क्या हुआ? राजा ने उनको दोष से निकाला है, गधे से निकाल बैठा करके नगर से, और कहा राज्य की छोड़ करके जाना। आप दोनों चारों कुशल थे, यहाँ ये आया, पद्म राजा के ऊपर पर चक्र था और उन्हें आक्रमण किया, उसके दूर कर दिया, राज्य सकुशल हो गया, चारों मंत्री वहाँ आ गए। अचानक विहार करते हुए वे मुनिराज हस्तिनापुर पे आए अपने संघ के साथ। उन्होंने मौका देखा किन्ने, क्यों? कभी कभार एक कहावत है, निकृष्ट व्यक्ति जो होते हैं एक बार अगर उनका अपमान हो जाए तो वे अपमान को ये नहीं सोचते कि मैंने गलती की थी तो अब गलती आगे नहीं करना। उन्होंने उस गलती को और महागलती में करने की चेष्टा कर दी कि इनके कारण से मुझे फलाने राजा उसने मुझे देश से निकाला दिया था, अब मुझे तो अच्छा क्या है अवसर मिल रहा है। और जाकर के पद्म राजा से कहता है, महाराज आपने कहा था हमने आपके राज्य को बचाया है, अब मेरे आपने कहा था जो मांगो वो दूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके लिए 7 दिन का आपका राज्य चाहिए, मैं 7 दिन का राजा बनना चाहता हूँ। हम लोग 7 दिन आपका आदेश नहीं चलेगा, मेरा आदेश चलेगा। उसको करना क्या था? क्योंकि जिनकी बुद्धि में दुष्टता है वे हमेशा ऐसे कुटिल विचार करते हैं, ऐसे विचार करके हमेशा बुरा करने की ही सोचा करते हैं। और वो ही हुआ, राजा ने कहा, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो कह देता है कि ठीक है मैंने वचन दिया था तो मैं 7 दिन के लिए राज दिया। और जैसे ही राज आता है, मुनिराज का आगमन हुआ और उसने जाकर के मुनिराज के ऊपर, पद्म राजा को पता चला अब मैं क्या करूं, मैंने तो 7 दिन के लिए उनको क्या कर दिया है,
मेरी कोई सुनने वाला नहीं है अभी। उन्हें सात चारों मंत्रियों ने मिलकर के बलि आदि मंत्री ने उन अकंपनाचार आदि सात सौ मुनिराज को चारों तरफ एक जगह जहाँ वो रुके हुए हैं और जाकर के दुर्गंध फोत ये मरे हुए जानवरों को और लकड़ियों से चारों तरफ से आग जला करके मुनिराज की तरह बिल्कुल देखो यहाँ पर ये चित्र बना है इस पर कि मुनिराज बैठे हैं चारों तरफ से आग लगी हुई है। वो चारों मंत्री आनंद बना रहे होम कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं दुर्गंधित युक्त वातावरण हो रहा है। मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं ऐसे समय विपरीत परिस्थिति में अब क्या समझते हैं। कथा बहुत लंबी है। तभी ऐसे ही होता जब प्रकृति में इस प्रकार का अत्याचार होता है तो प्रकृति भी अपना संकेत देती है। प्रातः काल समय देखते हैं चार से साढ़े चार पाँच बजे के बीच में एक ध्रुव नक्षत्र निकलता है ध्रुव तारा जिसे अपन कहते हैं। उस ध्रुव तारा में आग सी लग रही है क्योंकि प्रकृति जब महापुरुषों के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो उस पर भी संकेत मिलते हैं। ध्रुव नक्षत्र आग जैसा जो चमकता हुआ सफेद रहता है वो आज आग जैसा गोला बना हुआ है। क्या कारण है? एक सार चंद मुनि महाराज हैं जो विश्वाचल पर्वत पर बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं, है ना, विजयार्थ पर्वत पर शायद ऐसा नाम मिलता है उसका। हाँ, तो वहाँ ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते हुए उन्होंने देख नक्षत्र को देखा। देख करके निमित्त ज्ञानी थे अवधि ज्ञानी थे उन्होंने पता किया क्या कारण है। और जैसे ही पता चलता है पता चला कि ओहो हस्तिनापुर में एक नहीं सात सौ मुनि राजों के ऊपर क्या हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है। उनकी रात्रि के समय में उनके चेहरे से मुंह से चीख निकल पड़ती है क्योंकि दयावान जो होते हैं किसी के ऊपर अगर कष्ट हो तो उनकी पीड़ा अपने आप अभिव्यक्त हो ही जाती है। और वहीं पास में बैठे एक क्षुल्लक जी हैं जो विद्याधर हैं। देखिए विद्याधर जो होते हैं वे क्षुल्लक तो बन सकते हैं पर मुनि बने तो पहले विद्याओं का क्या करना पड़ता है, उनको त्याग करना पड़ता है। क्षुल्लक जी वहाँ बैठे उन्होंने देखा महाराज के मुख से क्या बात है, अचानक ऐसी वेदना क्यों हुई, ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना।